इससे थोड़ा और लाइट में भी रहेगा कुछ है आपके पास? कलर? नहीं 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 हेलो हेलो जी, मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं है एक्चुअली, शाम के 4 बज रहे हैं। आज मेरा रेस्ट डे था बट है नहीं। सो आज सुबह से बैठ के मैंने सोचा था कि पूरा दिन बैठ के बस रेस्ट करूँगा, ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, हल्का फुल्का सा एडिट। बट मैंने फिर भी एक ब्लॉग एडिट कर दिया, सुबह एक बार ही बैठा एडिट करना शुरू किया तो हो ही गया। तो अभी आई एम स्टेइंग एट दिस होटल, पहले जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे बर्ड्स नेस्ट हॉस्टल, वहाँ से हमने स्विच कर लिया था। और यहाँ पे एक्चुअली में कोई होटल ढूंढना हुआ था, पार्किंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दैट टू एक कम बजट में, तो हमको 1500 रुपये नेपाली रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे मिल गया। अच्छा पार्किंग है, अच्छा ओपन स्पेस है। तो आज मेरा प्लान था कि शाम को अभी नहा धो के थोड़ा सा यहाँ पे मंकी टेम्पल है वहाँ पे जाऊँगा, बट देन आई ड्रॉप द प्लान। आज करेंगे हम लोग यहाँ पे शॉपिंग, एंड उससे पहले शॉपिंग मुझे करनी है थोड़ा जब अंधेरा हो जाएगा उस टाइम पे 6-7 बजे के आसपास। उससे पहले अभी मैं यहाँ पे होटल का टेरेस है 5th फ्लोर पे, वहाँ पे जाके बैठूँगा, थोड़ा सनसेट देखूँगा, वहाँ से काफ़ी अमेजिंग व्यू है। बट मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, कॉर्नफ्लेक्स खाए थे बस, तो भी बाहर निकला था थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, और उसमें चाय डलवा के ले जाऊँगा और ऊपर बैठ के चाय पियेंगे, सनसेट देखेंगे। आपको भी दिखाता हूँ मैं, टेरेस से व्यू बहुत अमेजिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ हल्का फुल्का सा खाने के लिए देख रहा हूँ मैं, बट मेनली मुझे एक अच्छी सी चाय चाहिए। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सी मार्केट तो है। मुझे ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लग नहीं रही है, बट मैंने कॉन्फ्लेक्स के बाद सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं सोच रहा था कुछ खा लेता हूँ फिर आराम से शॉपिंग कर लेंगे। बट आई थिंक अभी चाय से ही काम चल जाएगा, छत पे थोड़ी देर बैठूँगा, उसके बाद फिर निकलूँगा, तो फिर देन आई कैन ईट समथिंग ऑन द वे। मैं सोच रहा था पैक करवा के ले जाता हूँ ऊपर, बट नॉट अ गुड आइडिया, गर्म गर्म ही खाना सही रहेगा। वन मसाला टी, पुट इट इन दिस, नो मसाला टी, या पुट इट इन दिस वन कप। तो जहाँ पे मैं रुका हूँ बस के पास में ही गली के बाहर ये एक बर्गर शॉप है, नाइस प्लेस। एक दो बारी मैंने यहाँ से बर्गर सैंडविच खाया, अच्छा रहता है, चीप लाइक 120-130 का वेज बर्गर। तो मैंने सोचा इससे चाय ट्राई करते हैं, फिर देखा एग रोल तो मन कर गया, मैंने कहा चलो एक छोटा सा एग रोल खा लेते हैं, फिर 2-3 घंटे तक काम चल जाएगा। अभी तो सब बहुत सही हो रहा है, आधे टाउन पे सनलाइट पड़ रही है और आधा टाउन पे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। वैली के बीच में एकदम से बर्ड्स उड़ते हुए जब दिखते हैं ना, तो और भी बहुत सुंदर लगता है। और जो माउंटेन्स है उस पर पूरा ब्लू हेज आ रहा है, और सनसेट हो गया है यहाँ पे, आई थिंक पूरी तरीके से हुआ नहीं क्योंकि अभी बहुत ब्राइट येलो कलर है, मे बी शायद थोड़ा सा ऑरेंज अभी होगा 10-15 मिनट में। 5:10 का सनसेट टाइम है यहाँ पे, अभी आई थिंक 4:51 एग्जैक्टली हो रहे हैं। खा लिया मैंने एग रोल, तो यहाँ पे जो बनाया था ना इसने एग रोल, टेस्ट तो अच्छा था बट थोड़ा अलग स्टाइल से बनाया था, लाइक एग ऑमलेट बना के उसके पीसेस करके अंदर डाल दिया था।
तो अब मैं निकला मार्केट जाने के लिए, 6:30 बजे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर है एग्जैक्टली, मतलब होटल से था कुछ 1.3 किलोमीटर्स, 10-12 मिनट लगेंगे वॉक करके। हाँ, ठंड हो रही है, ग्लव्स भी पहन लिए मैंने। यहाँ पे सर्दी ना बढ़ती जा रही है, ये टेक्निकली अब ऑफ सीज़न है, नवंबर तक ही रहता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर इज़ द पीक सीज़न हियर। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी नहीं दिख रहे, इंडियन से दिख रहे हैं ज़्यादा। एक्चुअली मेरे हिसाब से दिसंबर इज़ अ गुड सीज़न, होटल्स वगैरह भी सस्ते मिल जाते हैं बिकॉज़ खाली रहते हैं, तो यू कैन यू नो नेगोशिएट, वरना अगर बुक रहेंगे तो फिर उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मार्केट का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया, वैसे 500 मीटर दिखा रहे हैं मुझे, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ एग्जैक्टली उस जगह का नाम है असन बाज़ार, और उसके पास में ही वही दरबार स्क्वायर भी है। तो जल्दी फ्री हो गए अगर तो एक बार ही दरबार स्क्वायर का भी चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि रात में थोड़ा अलग वाइब है। वैसे मैंने पिछले एक वीडियो में रात को दिखाया था, बट दैट वॉज लाइक टू लेट, एकदम रात को था वो, 12 बजे, तब तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। यहाँ पे देखो ये 1500। तो मुझे कोई एक शॉप ढूंढनी है जहाँ से कैंपिंग का सामान भी मिलता हो, सो दैट एक ही दुकान से सारा कुछ लूँगा तो वो डिस्काउंट सही से देगा। कैंपिंग का सामान ज़्यादा तो लेना नहीं है मुझे, बस एक बर्नर ही लेना है। Let's see. जैकेट्स तो काफ़ी सारी शॉप्स दिख रही हैं, लेकिन मुझे कैंपिंग के गेयर वाली शॉप्स नहीं दिख रही, और मुझे वैसे ही किसी शॉप से ख़रीदना था, क्योंकि वहाँ पे जो जैकेट्स मिलेंगे ना वो ज़्यादा कम टेम्परेचर्स की मिलेंगी, ये वाले आई थिंक 0 डिग्री तक ही काम करेंगी, वहाँ पे डाउन जैकेट्स अच्छी मिलेंगी। सो वो मार्केट में तो नहीं है यार कोई भी ट्रैकिंग के सामान की दुकान नहीं है, तो मैं कहीं और चेक कर रहा हूँ, ऐसे रैंडमली घूम रहा हूँ, गूगल पे चेक करता हूँ और 5 मिनट में एक बार ये लेन देख लेता हूँ। हाँ जी, तो अब मुझे एक दिखी है शॉप ट्रैकिंग के सामान की, तो और देखते हैं यहाँ पे होगा। हाँ, ये सारी ट्रैकिंग की शॉप टू शॉप। आपके पास कैंपिंग स्टोव होगा छोटा? कैंपिंग स्टोव। ओके, ये सब यही बनता है नेपाल में ही बनता है? नेपाल में बनता है। कितने का है ये? राइस पेपर का है ये, नेपाली आपको पड़ेगा 350-400। चाइनीज लैंटर है ना ये? चाइनीज नहीं है, नेपाली है। नेपाली है, नहीं मतलब नाम इसका वो रहता है ना, चाइनीज लैंटर, लैंटर है ना बेसिकली। दिस इज लैंटर बट दिस इज बेसिकली मेड इन नेपाल। ओके ओके, मे बी द आईडिया इज चाइनीज बट दिस इज ओरिजिनली फ्रॉम नेपाल। Long ago, these are made in Nepal. The rupees almost 45,000. तो पीछे ये कश्मीरी भाई साहब मिले थे, वो कह रहे हैं कि काला पत्थर रोड है वहाँ पे जाओ, वहाँ मिलेगा आपको सबसे सस्ता और ट्रैकिंग का सारा सामान वहाँ मिलेगा। थैंक यू। मुझे कबीर के लिए जैकेट लेनी है, ऑरेंज कलर ढूंढना पड़ेगा उसको, ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। तो एक शॉप पे मैं गया अभी अंदर, मुझे थोड़े से उसके रेट ज़्यादा लगे। कबीर के साइज़ का जैकेट मैंने दिन में पता किया था, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसके पास से ही वो 1200 का था, यहाँ पे 2500, मतलब थोड़ा क्या ऑलमोस्ट डबल प्राइस, बट क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस था। से थोड़ा और लाइट में भी रहेगा कुछ है आपके पास? कलर नहीं नहीं नहीं, लाइक जैकेट और हल्का थोड़ा लाइट में है, फिर आपको कलर एक्सपेंसिव थोड़ा होगा। हाँ दिखा दीजिए एक बार। तो कबीर के लिए भी मुझे कलर मिल गए, अच्छे कलर्स मिल गए। ऑरेंज तो उसके लिए लेना ही था, मैंने एक ब्लू कलर भी ले रहा हूँ, पापा के लिए ले लिया, अपनी बहन से मैंने पूछा है, उसके हस्बैंड के लिए, हेमंत के लिए,
कलर डिसाइड करने पिक्चर्स मैंने भेज दिया है. मेरा मन कर रहा है बट आई डोंट फील लाइक टेकिंग बिकॉज आई हैव दिस जैकेट देन आई हैव अनदर ऑरेंज जैकेट. बहुत ज़्यादा जैकेट जैकेट्स हो जाती हैं फिर तो. फिलहाल के लिए तो आई एम गुड. सो चार जैकेट्स हो गई सिलेक्ट. इसमें मरून है ना वो? नहीं नहीं, ये तो बच्चों वाली है ना. हाँ ये रही मरून एंड ये दोनों छोटे बच्चे. हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आपका एक बारी बाहर से मैं दुकान दिखा देता हूँ. दिस इज द शॉप एंड दिस इज नेक्स्ट टू ये यहाँ पे इसके ऑपोजिट में है काठमांडू गेस्ट हाउस. थैंक यू. चलिए ठीक. तो ये शॉप मेरे होटल से सिर्फ लाइक 400-450 meters थी बट लेफ्ट डायरेक्शन में, और मैं वहाँ से राइट लेके आसन सीधा निकल गया था टुवर्ड्स दरबार स्क्वायर. तो बगल में छोरा और शहर में डंडोरा. तो अब मुझे ये चार जैकेट्स, दो कबीर के लिए और दो बड़ी जैकेट्स पड़ी हैं एंड एक बर्नर, सब कुछ मिला के पड़ा 6,000 rupees में, विच कम्स डाउन टू कितना इंटू 0.63. रुको यार कैलकुलेट करने दो. 4,000. हाँ 4,000 के आसपास. 4,000 भी नहीं, 3780 एक्चुअली. अगर कोई और मेरी जगह होता जो थोड़ा और अच्छे से बार्गेन करता, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता बार्गेन करते हुए, तो फिर भी मैंने उससे 400-500 rupees नेपाली कम करा लिए थे क्योंकि चार जैकेट्स ली. ऑलराइट जी, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ. एक यहाँ पे ऑलमोस्ट तो सारी कैफेज वगैरह दे आर क्लोजिंग डाउन, तो मैं पास में ही आ गया बिकॉज राजू आई थिंक इट्स स्टिल इन द सोना, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल और आंसरिंग टू माई मैसेजेस. तो तब तक मैंने कहा चलो यहाँ पे मोमोज ट्राई कर लेते हैं एंड 10-15 मिनट में होपफुली आई थिंक ही विल रिप्लाई. बोल रहा था पहले कि आधा पौना घंटा लगेगा, आधा घंटा तो हो गया. सो लेट्स ईट सम मोमो. आज अभी 9:45 हुए हैं तो उसके बाद आराम से आज लेट नाइट तक रुक सकते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी का कोई प्लान नहीं है. यूजुअल प्लान था पहले ट्रैकिंग के लिए जाने के लिए एक जगह, but that's been postponed to Thursday. Okay, so I'm back on the empty streets of Kathmandu and अभी राजू का कॉल आया. 10:10 हो रहे हैं अब. मैं अपने होटल से बहुत पास में हूँ, मैंने मोमोज खा लिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं है. बहुत ज़्यादा क्या मतलब, भूख ही नहीं है मुझे. तो मैं वापस जा रहा हूँ एंड वो लोग अभी स्पा से निकले हैं तो उनको पता भी नहीं है कि अभी कहाँ पे जा रहे हैं. तो लेट्स सी, मे बी आई थिंक आई जस्ट कॉल इट अ डे. वापस जाके हम स्टिल फ्रेश मेंटली क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो मे बी थोड़ा सा एडिट करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा 12-1 बजे तक. एंड दैट्स इट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर, सी या, बाय बाय. एंड आई नो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट आई वॉन्टेड टू लाइक यू नो डॉक्यूमेंट दिस डे. थोड़ा शॉपिंग और वो सब गलियाँ, तो बस यही था यार. कभी कभी ऐसा भी रहेगा, हमेशा पहाड़ नहीं रहेंगे, हमेशा ड्राइव नहीं रहेगा. आई होप यू स्टिल हैव एन्जॉयड दिस व्लॉग. नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अगला व्लॉग आएगा, किसी नई जगह जाएंगे. तो